नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव गढ़वाल में। गढ़वाल में आपके लिए ट्रैक्टर लेके आए हैं जॉन डियर 5405। इस ट्रैक्टर के बारे में रिव्यू करेंगे, हर चीज़ आपको इस ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे, बिल्कुल खोल के बताएंगे। एक एक चीज़ का आपको जो जवाब देंगे, एक एक चीज़ का जो है हम आपको दिखाएंगे कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान। ये जो जॉन डियर 5405 आप देख रहे हैं, ये 63 HP का ट्रैक्टर है और फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ ही आता है। गियर प्रो के साथ ये ट्रैक्टर आता है, ये गियर प्रो लिखा हुआ है। बताएंगे कि क्या है गियर प्रो, हर चीज़ आपको बताएंगे। बात करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में किसान ने 40 kg का, ये आप देख रहे हैं, 40 kg का वेट रखवा रखा है। एक प्लेट 40 kg की, तो ये 6 प्लेट यहाँ पे रखी हुई हैं, तो ये 240 kg जो है ये प्लेट प्लेट का वज़न हो गया। और साथ में ये अलग से जो है चूल्हा रखवा रखा है, जिससे कि ये वेट इसके ऊपर जमा रहे। और नीचे जब बात करते हैं तो ये नॉन एडजस्टेबल एक्सल के साथ ये ट्रैक्टर आता है। नीचे आप देख रहे हैं नॉन एडजस्टेबल एक्सल, फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है ये। इसके अंदर क्रॉस और पावर स्टेयरिंग के साथ सिंगल डबल एक्टिंग पंप, सिंगल पंप के साथ ये इसका पावर स्टेयरिंग आता है। सामने की तरफ जॉन डियर का लोगो लगा हुआ है और दो हैलोजन लैंप के साथ ये ट्रैक्टर आता है। नीचे की तरफ जाली, जिससे रेडिएटर पे ठंडी हवा लगती रहे, ट्रैक्टर गर्म ना हो, लगातार जो है ट्रैक्टर लंबे समय तक चलता रहे। सिंगल पीस जो है बोनट के साथ ये ट्रैक्टर आता है, बहुत ही शानदार लुक के साथ ये ट्रैक्टर है। सामने के टायरों की बात करें तो MRF के टायर हैं, 11-2-24 के टायर इसके अंदर आते हैं। बहुत ही हैवी टायर के साथ ये ट्रैक्टर है, 63 HP का ट्रैक्टर है, पूरा 63 HP का सिंगल पीस बोनट के साथ ये ट्रैक्टर है। अब मैं बोनट खोल के दिखाऊंगा कैसे जो है आप इस बोनट को खोल सकते हैं। यहाँ चाबी लगा के जो है इसको आसानी से खोल सकते हैं, ऐसे किसान बिना परेशानी के इस बोनट को खोल सकता है। नीचे की तरफ दो इसमें हाइड्रोलिक जैक लगे हुए हैं, जिससे ये बोनट जो है नीचे नहीं आएगा। सिंगल पीस बोनट के साथ ये ट्रैक्टर है, किसान आसानी से जो है साफ़ सफाई कर सकता है। सामने की तरफ ये देख रहे हैं आप, ड्राई एयर क्लीनर के साथ ये ट्रैक्टर आता है। और उसके नीचे ये बैटरी, और सामने की तरफ इसका जो माइंड बोलते हैं ट्रैक्टर का वो, और ये चीज़ हम आपको बताएंगे कि ये क्या है। सामने ये देख रहे हैं, उसके पीछे ये इंटरकूलर टर्बो के लिए, फिर उसके पीछे फिर ये रेडिएटर, रेडिएटर का अलग से जो है कूलेंट की अलग से टंकी दे रखी है। अब बात करते हैं ये जो सामने का आप रेडिएटर की तरह जो छोटी सी शेप में देख रहे हैं, ये क्या है? ये है डीजल को जो है ठंडा करके इंजन में जो है सप्लाई करता है, डीजल को ठंडा करता है, जिससे कि एवरेज आपकी ट्रैक्टर की अच्छी आएगी, कम जो है तेल खाएगा ट्रैक्टर और लंबे समय तक जो है चलता रहेगा। और पंप की जो लाइफ है वो भी इससे जो है बढ़ेगी। इसके पीछे जो है ये इंटरकूलर, पीछे रेडिएटर, हमने आपको ये दिखाया, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। ये इसका अल्टरनेटर, जिससे बैटरी चार्ज होती है, और नीचे की तरफ इसका पंप, इसका पावर स्टेयरिंग का पंप और इसकी लिफ्ट पंप दोनों एक साथ दिए हुए हैं। अगर मान लो किसी एक पंप में कोई ख़राबी आ जाए तो आप सिंगल जो है पंप को चेंज करवा सकते हैं, डबल डबल जो है पैसे किसान के ख़राब नहीं होंगे। नीचे की तरफ इसका हाइड्रोलिक का फिल्टर देख रहे हैं, ये इसकी स्लैप और ये वाटर सेपरेटर, जिससे टंकी के अंदर गलती से पानी वगैरह चला जाए तो यहाँ से किसान उसको अलग कर सकता है। अब मैं आपको इंजन दिखाता हूँ इसका, बोस का इनलाइन पंप के साथ ये ट्रैक्टर आता है। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 3 नोजल लगी हुई हैं, 1, 2 और ये 3, 3 नोजल के साथ ये ट्रैक्टर है। और नीचे की तरफ जो है डबल फिल्टर, जिससे कि साफ़ सुथरा तेल जो है ट्रैक्टर के पंप तक जाएगा बिना रुके, ट्रैक्टर लंबे समय तक चलता रहेगा। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है, बोस का इनलाइन पंप के साथ ये ट्रैक्टर है। और ये टर्बो अंदर जो आप देख रहे हैं, टर्बो का इंटरकूलर हमने आपको आगे दिखाया। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 63 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। ये आप देख रहे हैं अंदर इसका फैन बेल्ट और ये इसका पंखा, जिससे कि ये इसका जो वाटर कूल्ड इंजन है उसको ठंडा करता है, ये रेडिएटर में उसको घुमाता है, जिससे ठंडा जो है इंजन ठंडा हो, लगातार चलता रहे। साथ में ये टर्बो उसमें मदद करती है। गियर प्रो के साथ ये ट्रैक्टर आता है। और पीछे की तरफ ये गार्ड दे रखे हैं, किसान आसानी से इसको पकड़ के जो है चढ़ भी सकता है। और साथ में जो इंजन की जो गर्म हवा है वो पीछे नहीं जाएगी, यहाँ से साइड में कट जाती है हवा, लंबे समय तक जो है ड्राइवर किसान जो है लंबे समय तक अपने काम कर सकता है।
सिंगल फुट स्टेप के साथ ये ट्रैक्टर आता है और डबल क्लच के साथ ये ट्रैक्टर है। ये एक क्लच ये है और पीटीओ की क्लच जो है अलग से दे रखी है। अब मैं गियर के बारे में बताता हूँ। ये ए बी सी और डी चार गियर के साथ ये, इसमें हाई लो मीडियम जो है ये चार आते हैं ए बी सी और डी, और ये तीन फॉरवर्ड एक रिवर्स गियर के साथ। अब कुल मिला के बात करें तो 12 फॉरवर्ड और तीन रिवर्स चार रिवर्स गियर के साथ ये ट्रैक्टर है। कुल मिला के बात करें तो 16 गियर का ये जो है ट्रैक्टर बन जाता है। अब ये इसका पोजीशन लीवर, ड्राफ्ट लीवर यहाँ पे, और साथ में पीछे जो ऑक्सिलरी वाल हैं उनका अलग से लीवर दे रखा है, एडजस्टेबल सीट, साथ में आर्म रेस्ट के लिए किसान आसानी से जो है आराम से लंबे समय तक काम कर सकता है। और नीचे ये जो है इसका पीटीओ के चक्कर बढ़ाने घटाने 540 540E दोनों का ऑप्शन इसके साथ दिया हुआ है। ये जो ट्रैक्टर है ये 540 और 1080 दोनों में जो है ट्रैक्टर ये आरपीएम जो है आर पीछे जो इसको घुमा सकता है पीटीओ को 1080 चक्कर में और 540 चक्कर में आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। 65 लीटर का फ्यूल टैंक फाइबर बॉडी के साथ, 65 लीटर का बहुत ही मजबूत जो जॉन डियर लगातार लंबे समय तक देती आई है वही है ये, 65 लीटर पूरा इसके अंदर आता है। बात करते हैं पिछले टायर की, 16-39 के इसके पिछले टायर हैं MRF के, 16-39 के हैवी मुरगाड, साथ में ग्रिल दे रखी है, बहुत ही हैवी मुरगाड के साथ ट्रैक्टर है। पीछे ये सुपर सीटर जोड़ रखी है, 9 फुटी सुपर सीटर के साथ ये ट्रैक्टर है गुरुबाज की। ये पीटीओ इसके साथ कनेक्ट है और सिंगल साइड एडजस्टेबल आर्म के साथ ट्रैक्टर है। साथ में ये यहाँ पे बेल दे रखी है जिससे कि टायर पे स्क्रैच ना आए, लॉक आप इसको कर सकते हैं, इधर उधर ना हिले कल्टीवेटर में सुपर सीटर में। साथ में डंडा और ये डबल वाल ऑक्सिलरी वाल पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर, और ये इसके पीछे का जो गियर बक्से का तेल है यहाँ से आप इसमें डाल भी सकते हैं और यहीं से आप इसमें चेक भी कर सकते हैं। पीछे ये स्विच 12 वोल्ट का कोई भी चीज़ आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, लिफ्टों को ऊपर नीचे आप यहीं से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सुविधा दे रखी है, ऊपर करना है नीचे करना है यहीं से जो किसान कर सकता है बहुत लंबे समय तक, अच्छी चीज़ दी हुई है। पीछे की तरफ लाइट, ये इसका इंडिकेटर लाइट, ये ब्रेक लाइट और ये टूल बॉक्स यहाँ पे दे रखा है। ये गुरुबाज का 9 फुटी सुपर सीटर पे ट्रैक्टर चलता है। पीछे की तरफ आप इसमें देख रहे तवी दे रखी हैं, पीछे रोलर जिसे ज़मीन दबके चलती रहे हवा ना निकले ज़मीन के अंदर से। गुरुबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पटियाला, यहाँ से खाद की बीज की सेटिंग किसान अपने हिसाब से कर सकता है, कितना बीज किले में छोड़ना है कितना खाद छोड़ना है हर चीज़ बिल्कुल आसानी से ये लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकता है। एडजस्टेबल पावर स्टेयरिंग के साथ यहाँ से जो है किसान अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता है। फोर व्हील ड्राइव करना है आपको तो यहाँ से फोर व्हील ड्राइव कर सकते हैं, फोर व्हील टू व्हील जो यहाँ से इस लीवर की मदद से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ इसमें चाबी लगती है, इसका क्लस्टर मीटर दिखाता हूँ आपको बीच में, आरपीएम मीटर और ये इसका टेम्परेचर का और ये इसका फ्यूल का और बाकी सारा जो है ये डिजिटल क्लस्टर मीटर के साथ ये ट्रैक्टर है। साथ में पीछे देखने के लिए किसान के लिए शीशा दे रखा है, सिंगल पीस बोनट। बहुत ही जानदार और शानदार आवाज़ है ट्रैक्टर की। नौ फुटी गुरबाज की सुपर सीटर पे ये ट्रैक्टर है 63 HP का। ये नीचे की तरफ अलग से जो पीछे गियर बॉक्स से आगे की तरफ फोर व्हील ड्राइव की पीटीओ है उसमें कवर दे रखा है जिससे कोई भी कचरा है पल्ली है कट्टा है कोई भी इसमें फंसे ना और लंबे समय तक ट्रैक्टर जो है चलता रहे बिना रुके।
बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है, अब इनके ओनर से मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये ट्रैक्टर आपने कब लिया? ये 20 में लिया जी, 2020 में लिया था। और कैसा ट्रैक्टर है जी ये? बहुत बढ़िया। पहले आपके पास कौन सा था जी? 50-50D। 50-50D था। पहले 50-38। तो आप जो है जॉनडियर के दीवाने हैं, जॉनडियर आपने हमेशा ट्रैक्टर चलाया, तो उसमें क्या खास बात है जी जो जॉनडियर आप लगातार लंबे समय तक चलते आ रहे हैं? टूट फूट नहीं है कहेंगे भी, क्योंकि दबागा किस तरह रोड गिर जी, छोटे छोटे वे बड़े बड़े वे। और क्या खास बात है जी ट्रैक्टर की? तेल वगैरह के मामले में जैसे किसान कहते हैं कि तेल ज्यादा लेता है जॉनडियर, जैसा काम करेगा ऐसा तेल लेगा। अब जैसे आप इसको ये सुपर सीडर में आप इसको चला रहे हैं, कितना तेल लेता है जी? 7 लीटर तेल है पूरा किलो में। कितनी देर में निकाल देता है जी? घंटा लग जाता है। हाँ घंटा तो लग ही जाता है। और जैसे और आपने सुपर सीडर ये इसमें रैपर में भी चलाया है जी? रैपर में 4 की औसत से। कितने फुटा जो है रैपर आप इस पे चलाते हैं? 61 इंची था ना भाई? 61 इंची जो है आप इसको रैपर पे चलाते हैं। हाँ। तो उसमें 4 लीटर तेल किले का। और जो है आप ये तोताल भी चलाते हैं इससे? हाँ। तोताल में कितना तेल लेता है जी? तोताल में घंटा रो लग जाए, आधा घंटा लगे जाता होगा, आधा घंटा लग जाए 4 लीटर तेल तोताल में लेगा। तो आप जो है जी ये किसानों को कोई संदेश आपका की जो है किसानों के हक में कोई जो है जी क्या आप कोई संदेश देना चाहोगे किसानों को? हम तो भाई इस पर की चीजें नहीं है बढ़िया रात से कदे दादा लेर पोता बरते देख कब आओ देख। हाँ ठीक है जी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने हर HP के ट्रैक्टर की वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।